नमस्कार, आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जसवंतगढ़ का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर JPL 2021-22 है वो यहां पर शुरू हुआ है। और यदि बात करते हैं तो ये इस प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला है। जिस प्रकार से जकरिया और जसवंतगढ़ बांडियाबाज के मध्य चल रहे हैं, नए बल्लेबाज के रूप में इस समय राजेश चांगड़े पहुँचे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से जो राजेश चांगड़ है वो यहाँ पर ये गिरने के बाद हल्के से इस गेंद को उन्होंने ड्राइव करने का प्रयास, और डिपेंड इस चीज़ पर करेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर रहे। हालांकि अच्छी शुरुआत की थी, ज़बरदस्त मुकाबला, हल्के से इस गेंद को फिर से धकेला है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से सिंगल रन है वो प्राप्त किए तैयार होते हुए। और हल्के से इस गेंद को फिर से ड्राइव किया है और बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर है। दोनों बल्लेबाजों को एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और इस सिंगल रन के सहारे यदि जसवंतगढ़ बांडियाबाज की बात करते हैं तो टोटल टीम स्कोर पहुँचा है 56 रन अब तक बन चुके हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला होने की जिस प्रकार से उम्मीद यहाँ से की जा सकती है, बहुत ही अच्छा मुकाबला फिर से। और अब की बार फिर से घुमाने का प्रयास, डॉट बॉल निकलती हुई यहाँ पर पूरी तरीके से, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सफाई के साथ गेंद को यहाँ पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 21,000 रुपए का पुरस्कार, रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको। और अब की बार फिर से इस गेंद को स्कोर लेग की तरफ कट किया है, जहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, दोनों बल्लेबाजों को दौड़कर इस दरमियान सिंगल रन पूरा किया है। एक अच्छा मुकाबला यहाँ से उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह से शुरुआत की है, जिस प्रकार से क्या करते हैं। और टोटल टीम स्कोर इस समय पारी की यदि नज़र डालते हैं तो कुल मिलाकर जिस तरह से पारी के यदि नज़र डालते हैं तो 8 ओवर हो गए ना, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 रन अब तक बन चुके हैं टीम जसवंतगढ़ के। 12 गेंदें बची हैं और बची हुई 12 गेंदों में क्या कुछ घटित होता है, वाइड या नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो 12 गेंदें ऐसे शेष बची हैं और बची हुई 12 गेंदों में क्या कुछ होता है। और इस समय फिर से किस तरह की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं और 12 गेंदों में 2 ओवर शेष बचे हैं, बचे हुए 2 ओवरों में क्या कुछ घटित होता है ये समय बताएगा, वक्त बताएगा। जसवंतगढ़ बांडियाबास और जकरिया के मध्य गेंद कमाने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद वहां पर रन की कोई संभावना नहीं, एक और डॉट बॉल निकलते हुए। शानदार गेंदबाजी अब तक टीम जकरिया ने जो की है यदि बात करते हैं पूरी तरीके से, और राइट आर्म ये गेंद, और अब की बार फिर से बहुत शानदार तरीके से हल्के से इस गेंद को कट किया है, ज़्यादा अच्छा संपर्क नहीं हुआ बैट और गेंद का, लेकिन सफाई के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया है। टोटल टीम स्कोर इस समय 58 रन बन चुका है यदि नज़र डालते हैं। इससे अगला मुकाबला जो होना है वो होगा जसवंतगढ़ और लाडनू के मध्य, इससे अगला मैच है जो यदि बात करते हैं। और इस समय ये पहली बारी घुमाने का प्रयास फिर से इस गेंद को, लेकिन वहां पर रन की कोई संभावना नहीं और बिल्कुल आसानी से एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर टीम जसवंतगढ़ को नुकसान होता हुआ। तो यदि विकेट पर नजर डालते तो कुल मिलाकर जसवंतगढ़ को लगने वाला छठा झटका इस समय, छठा विकेट गिरा है यदि बात करते हैं तो। इस समय टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है, बताना इसको 58 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज पर पवन जाने जाते हैं, सामने गेंदबाज भी चतुर है, देखते हैं कैसी गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंद वहाँ पर, बहुत तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया है और शानदार तरीके से लेग बिफोर विकेट को छोड़कर यहाँ पर सारे जो रूल और रेगुलेशन है वो यहाँ पर लागू किए गए हैं। और युवराज इस समय और हवाई प्रहार, खिलाड़ी नीचे, देख रहे हैं पहुंच पाते हैं या नहीं, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं, डायरेक्ट हिट होती तो संभावना बनती, लेकिन 2 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया है। लेकिन रनआउट का खतरा था,
वहाँ पर डायरेक्ट हिट होती तो कुछ संभव नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चले घुमाने का प्रयास वहाँ पर ओवर समाप्त हुआ पारी के समय, संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। नौ ओवर समाप्त हो चुके और नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 62 रन। नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 62 रन 6 विकेट के नुकसान। टॉस से हारने के बाद है जसवंतगढ़ के बल्लेबाज पवन गुर्जर और दीपक जाखड़ कितने रन बटोर पाते हैं। बची हुई 6 गेंदों में जसवंतगढ़ के टीम के कैप्टन सुमित शर्मा, वाइस कैप्टन जगो गुर्जर, क्या करना है पवन गुर्जर से काफी उम्मीद है। कम से कम इस ओवर में किस प्रकार का स्कोर यहां पर खड़ा किया जाता है, किस तरह की यहां पर बल्लेबाजी होती है, देखते हैं बची हुई 6 गेंदों में क्या कुछ करते हैं। सज्जन सिंह के रूप में शानदार कैच वहां पर पकड़ा है और इस वक्त अच्छी शुरुआत। हालांकि जो टीम जकरिया उसने टॉस जीतने के बाद वो बिल्कुल उनका सही साबित होता हुआ यदि नजर डालते हैं तो नाम बताया भाई। नहीं बल्लेबाज के रूप में हेमंत आए हैं, हेमंत गुर्जर शायद नए बल्लेबाज के रूप में हेमंत पहुंचे हैं क्रीज पर। देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं वहां पर हेमंत। दीपक के लिए तैयार होते हुए बची हुई 5 गेंदों में और इस गेंद को हवा में खेला है खिलाड़ी नीचे और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन अब आउट हो जाएंगे। एक रन मिलेगा, 8वां विकेट टीम जसवंतगढ़ है उसने अपना गवा दिया है। एम्पायर का सारा फ्री हिट भी है अगली गेंद पर, हालांकि फ्री हिट जरूर मिलने वाला है। दीपक जाएंगे रन आउट होके वापस आते हुए और लेने आए हैं अंकित राइडर, देखना है क्या करते हैं दस्ताने में। हालांकि ये फ्री हिट की गेंद थी इसलिए ज्यादा कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए, गेंदबाज को अच्छे से पता था अगला मुकाबला जो होना है लाडनू जावाबाज के बीच खेला जाएगा। अच्छा मुकाबला होगा ये भी और हल्के से गेंद को फिर से कट कर दिया, दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े एक रन के लिए। स्लिप के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं, एक रन लेने का मौका दोनों ही खिलाड़ियों के पास। स्कोर में जमा होता हुआ 64 रन, इस सिंगल रन के सारे टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है 64 रन। कम स्कोर माना जाएगा इस ग्राउंड में और किस प्रकार से बल्लेबाजी है, किस तरह से बल्लेबाजी करता है जकरिया की टीम बहुत मजबूत है और इसी के साथ बोल्ड कर दिया है। इस समय अंकित आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए एक कुल अंतिम जोड़ी आखिरी जोड़ी मैदान पर आती हुई, क्या करते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं आखिरी जोड़ी मैदान के बीचों बीच आ चुके हैं और इस समय किस तरह से जहां पर है पूरी तरीके से किस तरह के बल्लेबाजी यहां पर होती है, कितना स्कोर खड़ा कर पाते हैं। विनोद जो अंकित राइडर की जगह लेने आए हैं, देखते हैं बच्ची के में क्या करते हैं विनोद। अभी 64 हुए हैं, 64 रन है, बाउंड्री की दरखास्त करना चाहते होंगे घुमाने का प्रयास। सफाई के साथ अच्छी गेंद वहां पर डाली गई थी, कल भी 64 रन था पहली पारी का स्कोर, 65 का टारगेट मिला था, पीछा करने वाली टीम ने आसानी से जीत लिया था याद हो तो कल जब सुबह उद्घाटन मैच में। और ये 64 रन है, 65 का टारगेट मिला है, कल वाला मैच है सेम 64 रन बने हैं, बने हैं जसवंतगढ़ के। कल चुनारी ने 64 रन बनाए थे, 65 रनों की जसवंतगढ़ ने 65 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए। इस समय दूसरी पारी शुरू हो चुके हैं और बहुत तेज गति से इस समय गेंद को ड्राइव किया है, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के वहां पर है कोई संभावना नहीं, दो रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया, दोनों के पास अच्छा मौका था और बको भी उन्होंने बनाया इसको शानदार तरीके से। जसवंत कटे बांडेवास और उनके सामने यदि नजर डालते तो जकरे के मध्य मुकाबला ये गेंद और अब की बार फिर से घुमाने का प्रयास।
विकास समय सामना कर रहे हैं। जकरिया और जसवंतगढ़ के मध्य 64 रन बनाए, 65 रनों की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए। किस तरह से और बहुत शानदार तरीके से इस गेंद को हिट किया है, कोई मौका नहीं, गेंद मैदान से बाहर, 6 रनों के लिए कोई चांस नहीं था वहां पर। बड़े लक्ष्य की तरफ इस समय बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं विकास, जबरदस्त तरीके से तैयार होते हुए। लंबा हिट था, बहुत लंबी दूर तक गेंद गई है के लिए। फिर से ये गेंद और अब की बार फिर इस गेंद को हल्के से ड्राइव किया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया। कोशिश जरूर थी लेकिन सिंगल रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब की बार फिर एक और डॉट बॉल, एक ओवर समाप्त हुआ, एक ओवर की समाप्ति पर इस समय स्कोर 8 रन। पवन की ये गेंद प्रेम के लिए और हल्के से इस गेंद को धकेला, वहां पर कोई रन नहीं, वहां पर फील्डर मौजूद जरूर थे, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया। शानदार तरीके से यहाँ पर रहे जकरिया की जो टीम है वो बहुत जबरदस्त है। पहले तो उन्होंने बल्लेबाजी में ज्यादा सामने वाली टीम है उसको रन बना दे दिए, और इस समय प्रेम किए गए बाहर की तरफ निकलते गेंद वाइड के रूप में एक रन काउंट होता हुआ जोड़ता हुआ, टोटल टीम स्कोर पहुंच गया इस समय 9 रन। और फिर से हवा में खेला है खिलाड़ी, नीचे देखना है कैच पकड़ पाते या नहीं, और लिए ड्रॉप होता हुआ दोनों बल्लेबाजों के पास है। और ये तीसरा रन, 2 रन मिले हैं और तीसरा रन भी बिल्कुल आसानी से दौड़कर पूरा कर लिया है। उन्हें पता है कि किस प्रकार के जसवंतगढ़ के घटिया स्तर की फील्डिंग यहाँ पर की जा रही है, जानते हैं कि ऐसी फील्डिंग करेंगे तो किस प्रकार से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये गेंद और अब के बाद फिर से हल्के हाथों से इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का वहां पर कोई संपर्क नहीं हो पा। और अब के बाद फिर से इस गेंद को हवा में खेला है, खिलाड़ी नीचे हैं, लेकिन वहां पर केस तो होना नहीं है, 2 रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाजों ने, दौड़कर 2 रन आसानी से प्राप्त कर लिए हैं। जिस तरह की ज्यादा दिक्कत इन 2 रनों के सारे, टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है कितना हो गया, 14 रन। गेंद फिर हवा में, खिलाड़ी नीचे हैं, एक की बार सफलता मिली है, इस बार एक विकेट मिली पूरी तरीके से। इस वक्त एक और गेंद बाउंड्री से बाहर होती हुई 4 रनों के लिए। पारी के 2 ओवर समाप्त हुए हैं और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पर नजर डालते हैं तो इस समय टोटल रन बन चुके 18। देखने वाली बात ही होगी किस तरह से 2 ओवर समाप्त हुए, 18 रन अब तक बन चुके हैं। यह है मैच की स्थिति यदि हम टोटल स्कोर पर नजर डालते हैं तो। जकरिया की टीम 64-65 रनों की जो चुनौती है उसका पीछा कर रही है, जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की थी, जिस तरह से क्या करते हैं किस प्रकार से। इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं, राकेश नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर आए हैं, अजय गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। जबरदस्त है, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं अजय। 18 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर, एक विकेट के नुकसान पर अपने ओवर में फिर से बाहर, पॉइंट की तरफ बहुत शानदार कट किया, कोई मौका नहीं, गेंद तेज गति से समय बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए, 4 रन स्कोर इस समय 22 रन हो चुका है, स्कोर जा पहुंचा 22 रन। जबरदस्त है, एक विकेट के नुकसान पर 64 रन बनाए, 65 रनों की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए, 65 रन का टारगेट, एक विकेट जिसमें से जो जकरिया उसने अपना गवा दिया है। तैयार हो रहे हैं किस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं, एम्पायर क्रॉस किया गेंद की और फिर से घुमाने का प्रयास, घुमाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद और बल्ले का वहाँ पर कोई संपर्क नहीं,
सफाई के साथ गेंद को गैदर किया, इसका अभी भी रुका हुआ 22 रन है और इस गेंद को फिर से ड्राइव किया है। हाँ, रोका जरूर, सफलता देखना मिलती है या नहीं। हल्के से मिसफील्ड वहाँ पर, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। पता है कि जसवंतगढ़ की फील्डिंग में कोई दम नहीं है और ये जकरिया बखूबी अच्छी तरीके से जानता है, आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पूरी तरीके से देखने वाली बात ही होगी। बहुत तेज ड्राइव, कोई मौका नहीं वहां पर चार रनों के लिए, गेंद बाउंड्री से बाहर होते हुए। टोटल टीम स्कोर इस समय पहुंच चुका है, इन चार रनों के सारे 28 रन बन चुके हैं। 28 अच्छी गेंद थी, ड्राइव करने का प्रयास था हल्के से, लेकिन सफलता नहीं मिली। डॉट बॉल और वहां पर एक और डॉट बॉल निकलते हुए, किस प्रकार से 28 रन अब तक बन चुके हैं। एक विकेट, एक गेंद घुमाने का प्रयास, ओवर समाप्त हुआ पारी के समय, अभी भी इसको रुका हुआ 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 28 रन है। यदि नजर डालते हैं तो ये स्थिति मैच के देखने हैं किस प्रकार के, देखने वाली बात ये होगी कि बल्लेबाजों ने किस तरह से इसको पार करने हैं। जसवंतगढ़ पहले बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए, पहले बल्लेबाजी करते हुए इस तरह से दूसरा विकेट गिरा है 28 के स्कोर पर, सीधा फील्डर के हाथ में दी थी, वहां पर कोई कोशिश नहीं की गई, सफाई के साथ है उस गेंद को फील्ड किया गया, गेंद को कट किया, कोई भी पता नहीं चला, गेंद मैदान से बाहर, 4 रनों के लिए। जबरदस्त ड्राइव, बहुत अच्छी तरीके से करती हुई जकरिया की टीम। टोटल टीम स्कोर इस समय पहुंच चुका है, कल की तरह 7 ओवर में समाप्त हो जाएगा इन 4 रनों के सारे। यदि नजर डालते हैं तो टोटल टीम स्कोर इस समय पहुंच चुका है 32 रन। कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, टॉस करवा के अगला मैच जल्दी प्रारंभ करें भाई। और फिर से वहां पर हल्का सा मिसफील्ड है, लेकिन सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया। जाओबाज के कैप्टन और जसवंतगढ़ एपी के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। बिल्कुल, दोनों टीम कैप्टन अगले मैच के जो यहां पर पहुंचने वाले हैं, जाओबाज से जो लाडनू है, मारा मिड विकेट की तरफ, मिड विकेट के खिलाड़ी हल्के से गेंद को खेला है, तो गेंद को फील्ड करते हैं जो एक्स्ट्रा के रूप में देना था यहां पर। अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, गेस्ट भी लगता था, बिल्कुल शानदार मुकाबला यहां पर होने की। 32 रन बन चुके हैं अब तक, 33 रन बन चुके हैं और इस गेंद को हमें खेला, इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ पूरी तरीके से, चौथा विकेट गिरा है यहां पर। बिल्कुल देखना है क्या करते हैं, किस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं पूरी तरीके से तैयार होते हुए। 39 रन अब तक बन चुके हैं, 26 रनों की जरूरत है, देखते हैं कितनी जल्दी कर पाती है। ये कुल मिलाकर ओवर नंबर है, मैं आपको बता दूं जो अगला मैच है जसवंतगढ़ और हवाई प्रहार किया है खिलाड़ी नीचे इसे के साथ, ये ड्रॉप कर दिया है जसवंतगढ़ टाइगर मोलावर से जी, चार बार कार्मिक के बीच में है।
पूरी तरीके से हो चुका है। टॉस जवाबाज ने जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। अगला मुकाबला जो होना है वो जवाबाज ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। राजकुमार, इसी बीच राजकुमार की अगली गेंद हल्के से गेंद को फिर से दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। जानते हैं कि दूसरे बल्लेबाज बहुत दूर है, दोनों दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और दो रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे कर लिए हैं। मैं बता दूं, मैं अभी तारीफ कर रहा था अभिषेक शर्मा की और तारीफ फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत घटिया फील्डिंग का प्रदर्शन किया। अभी एक आसान सा गेंद शॉप कर दिया, बिल्कुल आसान सा गेंद तैयार होते हुए और फिर से इस गेंद को हल्के से बिल्कुल स्टेयर किया था और सफाई के साथ इस गेंद को गेदर किया गया। अभिषेक को फील्डिंग नहीं करने दे रहे हैं। ओवर समाप्त हुआ, खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, एक और विकेट का पतन करता हुआ। मैं बता दूं, रवि पांचवा विकेट यहां पर गवा दिया है। बाउंड्री पे तैनात रहने में बहुत शानदार कैच पकड़ा वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं सीमा रेखा पे, उनकी फील्डिंग देखने का जबरदस्त तरीके से वो बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं होते हैं। पांचवा विकेट गिर चुका है, पांचवा विकेट गिरता हुआ सुमित है, वो एक और विकेट लेते हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं सुमित एक अच्छे गेंदबाज है, वो किस तरह से ऐसे गेंदबाज है जो इस टीम को अभी बचा सकते हैं, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। उम्मीदें हैं वो जसवंतगढ़ के सुमित शर्मा से हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, तैयार होते हुए स्टार के सदस्य रह चुके हैं, बिल्कुल नए बल्लेबाज के रूप में युवराज और खूबसूरत तरीके से कवर की तरफ ड्राइव किया है। फील्डर मौजूद हेमंत के पास गेंद को फील्ड करते हैं, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेकर अपने स्कोर में और इजाफा करते हुए दोनों बल्लेबाजों के पास था मौका सिंगल रन प्राप्त करने का। टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है सिंगल रन के सारे, हीरो कितना हो गया, खतरनाक हो सकता था गेंद हवाई यात्रा में और इसी के साथ एक और विकेट है। राजकुमार ने अच्छी फील्डिंग करके एक विकेट और लेते हैं, छठा विकेट गवा दिया। बीच में एक और बड़ा झटका है, जकरिया शायद मुश्किल में, छठा विकेट गिर चुका है जकरिया। कप्तान अशोक शर्मा मैदान में और इस समय अच्छी फील्डिंग राजकुमार उतना ही अच्छा, टीम कैप्टन उतनी अच्छी अशोक आ रहे हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। कॉम्बिनेशन के साथ चकरिया को एक और बड़ा झटका लगता हुआ, छह विकेट जा चुके हैं, 44 रन है 6 विकेट के नुकसान पर, 44 रनों पे 6 झटके खा चुके हैं। युवराज है एक तरफ है जबकि दूसरी तरफ है, तीन ओवर इस ओवर के बाद में शेष है, स्कोर चाहिए 21। और हवाई मार्ग से गेंद को लंबा हिट किया है और एक और विकेट है, बहुत अच्छा कैच, एक और बड़ा झटका लगता हुआ युवराज के रूप में, शानदार विकेट गिरा है। गोविंद शर्मा की तारीफ कर रहा था, बहुत बेहतरीन विकेट गिरा है, वहां से हटते एक अच्छा कैच बाउंड्री रेखा पे, जबरदस्त विकेट। अभिषेक शर्मा का एक और अच्छा कैच जो अभी एक्स्ट्रा के रूप में फील्डिंग है, हल्के से गेंद को फिर से ओवर समाप्त हुआ पारी के समय। कुल मिलाकर यदि नजर डालते हैं तो 45 रन है इस समय अशोक के लिए गेंद और हल्के से गेंद को ड्राइव किया है, अच्छा मारा है, उतनी अच्छी फील्डिंग, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर एक रन पूरा किया। पूरे मंजरे खिलाड़ी हैं, एक तरफ अभिषेक है अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैच टूर्नामेंट था किस प्रकार से यहां पर है, फाइनल में नदीम धनुरी की अच्छी धुलाई की थी, एक ओवर में 5 चौके और एक छक्का जड़ा था, तैयार होते हुए 5 चौके छक्का अभिषेक शर्मा ने लगाया था फाइनल में, ये गेंद और उसे गेंद को घुमाने का प्रयास जरूर था, एम्पायर का सारा बिल्कुल वाइड, दोनों एम्पायर ने वाइड गेंद और देखना है दोनों के मध्य थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए एम्पायर के और खिलाड़ी के बीच में हल्की सी मिशन और बिल्कुल वाइड है, लेकिन एम्पायर पीके बीडा ने भी टीम स्कोर इस समय 47 रन बन चुके हैं, 48 रन तैयार होते हुए शायद ये एक्स्ट्रा देके मैच खराब ना कर ले जसवंत पूरी तरीके से, बाकी खेल बराबर चल रहा है, अच्छा चल रहा है खेल, किस तरह से यहां पर बल्लेबाजी होते हैं। राजकुमार की सतन सिंह हिट करना चाहते थे, गेंद घुमाने का प्रयास जरूर था, सीधा विकेट कीपर विनोद के दस्तानों में वहां पर जो पहले और वाइड गेंद यहां पर में इस ओवर में बहुत खराबी चल रही है टोटल टीम पर, साथी कमेंटेटर ओम प्रकाश पूरी तरीके से आगे का हाल सुनाएंगे। ऑन की गेंद और अब की बार फिर से इस गेंद को हल्के से कट किया, बहुत सफाई के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े एक रन के लिए, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और यही इसी तरह से रन चाहिए किसी भी हालत में।
अगर इस मैच को जीतना है तो 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर 50 रन पूरे हो चुके हैं, 64 रन बनाए, 65 रनों की चुनौती ये मुकाबला जीतने के लिए जसवंत गड्ढे और उनके सामने जो टीम है वो जेकरिया खेल रही है। जेकरिया ने अभी 50 रन पूरे कर लिए हैं अपनी टीम के और गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए जीतने के लिए 54 रन फाइनल की ओर और 54 रन बन चुके हैं, केवल 11 रन चाहिए यहाँ से, केवल मात्र 11 रन की आवश्यकता जेकरिया पर जीत के लिए। इस मैच में 54 रन बन चुके हैं, 11 रन हो चुके हैं जेकरिया के और गेंदबाजी कर रहे हैं राजकुमार गुर्जर तैयार होते हुए। राजकुमार गुर्जर गेंद करेंगे और हवाई प्रहार, कोई मौका नहीं, गेंद मैदान से बाहर 6 रन प्लॉट में गेंद और उसे बड़ी आसानी से गेंद को किनारे का से बाहर से 6 रन के लिए खेल दिया। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 60 रन, केवल 5 रनों की जरूरत है जीतने के लिए इस मुकाबले को, अपने जीतने के लिए इस मुकाबले। ये बहुत ही शानदार मुकाबला जसवंतगढ़ वर्सेस जेकरिया के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें जसवंतगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 64 रन बनाए। गेंद एक और मैदान से बाहर 4 रनों के लिए 4 रन और शायद और इस मैच को जीत लिया जेकरिया ने, जेकरिया ने आसानी से। विकास शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया है, शानदार गेंदबाजी। विकास शर्मा जो जेकरिया से बिलोंग करते हैं उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, बहुत शानदार उन्होंने अपनी टीम के लिए 4 बल्लेबाजों को आउट किया था।